वो थोड़ा सा आगे आए, वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे स्पॉट आउट किया जाए, जंप करके देखना चाहते हैं, बट यहाँ पे डोरा उनका नेट आया, वो सही जगह जाएगा, स्पार्की को डाउन भी करेगा, बट डोरा क्या वो यहाँ पे 1v3 कर सकते हैं, उनके पास एक मौका जरूर यहाँ पे बनेगा, नॉक तो किया है, फिनिश भी किया है, सामने एक और प्लेयर टीबीएस उनके हाथ में, अनदर वन डाउन, डोरा इज जस्ट रिपिंग थिंग्स अपार्ट राइट नाउ, दो प्लेयर्स गोइंग स्ट्रॉन्ग के डाउन किए, तीसरा उनके सामने टीबीएस में शिफ्ट किया, उसके साथ शॉट दिया, रिफ्लेक्स एक्शन फरारी पे, एक टीम हाइड्रा अब यहाँ पे ओएसटी एक खतरा अभी भी है, और ओएसटी के प्लेयर्स को भी देखा, स्पॉट किया डुओरा ने, एक मौका रहेगा, एक और नॉकआउट, एक और बेहतरीन कनेक्शन, अब एक आखिरी खिलाड़ी बचा, अगर आपने एक और कनेक्शन ढूंढ दिया आप ओएसटी को भी बाहर कर सकते हैं, और अगर नहीं तो एटलीस्ट यहां से वो एक फ्रैग, वो तो कंफर्मेशन जरूर मिलेगी। अब भूल रहे हैं एमजी का प्लेयर, वो अभी भी वहां पे बैठा है, वो अभी भी इंतजार कर रहा है दूरी में, बट डुओरा वो रुक नहीं रहे, पूरी जान लगाने वाले हैं, डुओरा ऑलरेडी हो चुकी, हाइड्रा बहुत ऊपर है, बट ये स्किल सेट जरूरी था, ये क्षमता दिखानी जरूरी थी, कोशिश कर रहे हैं डुओरा के बिना डरे पुश करते चले, एक और कनेक्शन आएगा, अब एक आखिरी खिलाड़ी बचा है, और डुओरा प्रयास पूरा चल रहा है, कोशिश पूरी कर रहे हैं, उस आखिरी प्लेयर के पास ही मौका रहेगा, मगर आप देखिए एचपी थोड़ी सी कम, हीलिंग्स मौजूद नहीं है डुओरा के पास, एक बहुत बड़ा मौका, और डुओरा बस यही सोच रहे होंगे कि अब जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर तो बस यादें आती है, और लीजिए कोशिश थी और वो कोशिश कामयाब होती दिखेगी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।